बैक वंस अगेन, दिस इज वर्धा एंड वेलकम टू वर्धाज किचन। और वर्धाज किचन में आज क्या बन रहा है आपको पता है, मैं हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई एक मज़ेदार सा जो है वो एक बेवरेज लेके आती हूँ आपके लिए सीजन के हिसाब से, जो आपके लिए अच्छा हो। तो मैंने आज सोचा क्यों ना आज कश्मीरी चाय बनाई जाए, और विंटर में आपने कश्मीरी चाय का मज़ा जो है वो एक बार तो लेना लाजमी है, वरना विंटर थोड़े अधूरे से लगते हैं उसके बगैर। तो और अब तो कश्मीरी टी लीव्स जो है वो तो ईजिली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर जो है वो अवेलेबल हैं, तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं अभी बनाना कश्मीरी चाय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन ले लीजिए, उसमें मेरे पास 2 कप पानी है वो मैं ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले स्टोव ऑन कर देते हैं। ओके जी, स्टोव ऑन कर दिया और मेरे पास 2 कप पानी है यहाँ पे, वो ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें क्या करना है, मेरे पास 2 टीस्पून कश्मीरी चाय के पत्ते हैं। कश्मीरी चाय है बेसिकली जो उसके टी लीव्स होते हैं कश्मीरी चाय के, आपको इजीली भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। 2 टीस्पून वो डालेंगे हम, वो ऐड कर दिए। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 2 अदद इलायची और 2 अदद लौंग, वो डालेंगे। ये डालना ज़रूरी है, इससे एक फ़्लेवर आता है कश्मीरी चाय का, जो कश्मीरी चाय में अक्सर छोटा सा एक डिफरेंट सा एक फ़्लेवर होता है वो लौंग की वजह से आता है, वो हम डालेंगे यहाँ पे। और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने का मीठा सोडा होता है वो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कश्मीरी चाय का जो एक पिंक कलर होता है वो कलर आएगा, इससे वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें पानी में जैसे ही जोश आ जाएगा, बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हम नॉर्मल जो घर में चाय बनाते हैं उसको अच्छा सा पका लेते हैं, वैसे ही हम इसके साथ करेंगे। ये देखिए, और राइट जी, चाय को जो है हमने छोड़ दिया था पकने के लिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से, ताकि जो है ये पक जाए। और आप देख सकते हैं चाय जो है वो पक गई है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टोव जो है वो बंद कर रही हूँ, कि आप देखिए मैंने 2 कप पानी डाला था और मैंने इसको इतना पकाया है कि तकरीबन 1.5 कप रह गया है, 1.5 से 1 कप रह गया ये पानी ना। अब मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे है आइस कोल्ड वाटर, लाइक चिल्ड बर्फ़ का ठंडा पानी, वो इसमें ऐड करना है हमें तकरीबन 1 कप। यहीं पर ही मैं ऐड कर दूँगी अभी बर्फ़ भी गई साथ में। चलो ये ऐड कर दिया हमने और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि तमाम इसका फ्लेवर जो है आपस में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं आपको स्ट्रेन आउट करके दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसे पिंक आया है। थोड़ी देर के लिए इसको अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ओके जी, वी आर बैक। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको स्ट्रेन आउट कर लूँगी, छान लूँगी। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेनर है और इस तरह से इसको हम जो है वो छान लेंगे, ताकि जो भी कश्मीरी लीव्स हैं, जो भी हमने इसमें ऐड किया है मसाला, वो सब अलग हो जाए। ये देखिए, ये इसका आप कह सकते हैं कहवा तैयार हो गया है कश्मीरी चाय का। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें दोबारा पकाना है। कहवा हमारे पास रेडी है कश्मीरी चाय का। अब जैसे ही कोई आपके घर में गेस्ट आता है, जब भी आपने कश्मीरी चाय बनानी है, आपने ये कहवा लिया 1 कप, उसमें आपने दूध डाला और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। कभी भी आप ये बना के रख सकते हैं अपने पास दिन में, अगर आपको कश्मीरी चाय बनानी है तो। दोबारा से मैं सॉस पैन ले रही हूँ, स्टोव मैंने ऑन कर लिया है और मैं ये कहवा जो है वो सॉस पैन में डाल देती हूँ। सही है, जितनी मुझे बनाना है, मुझे 2 कप बनाना है, मैंने उस हिसाब से जो है पानी डाल दिया है यहाँ पे। अब इस पानी में क्या करेंगे, हम दूध ऐड करेंगे। दूध आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, वैसे मैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप डालूंगी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जब एक अच्छा पिंक कलर आपको मिल जाए तो आपने उसको जो है वो स्टॉप कर देना है। ये देखिए, इट्स इनफ। मैं थोड़ा सा, मैंने बिल्कुल दादा सही था, 1 कप मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कप पूरा दूध जो है वो इसमें ऐड कर दिया है 2 कप के लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी,
कश्मीरी चाय में बादाम पिस्ते जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वरना कश्मीरी चाय पीने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मेरे पास यहाँ पे बादाम और पिस्ते चॉप्ड हैं 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, अगेन इसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना। आप अक्सर जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में किसी मार्केट में जाते हैं या अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो कश्मीरी चाय में जो नट्स होते हैं, बादाम पिस्ते डले हुए होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से क्रंची होते हैं, ताकि जब आप उसको सिप के साथ लें थोड़ा सा अच्छा लगता है मुँह में। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से, ताकि जब ये पकेंगे साथ में तो थोड़े सॉफ़्ट भी हो जाएंगे और फ्लेवर भी इसमें कश्मीरी चाय का आ जाएगा। सही है जी, 3 टेबलस्पून मैंने जो है यहाँ पे बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। और वंस अगेन मैं यहाँ पे वेट करूँगी कि इसमें दोबारा से बॉईल आ जाए, और फिर उसके बाद दोबारा से हम इसको धीमी आंच पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, इसमें उबाल जो है वो आ चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेम स्लो कर रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल चाय को पकाते हैं, ऐसे ही अब मैं इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि दूध का और जो हमने ठंडा पानी डाला था कहवे के अंदर, उसका टच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जी जनाब, कश्मीरी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। पकते हुए इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो घर में आना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करते हैं, आप कलर देख सकते हैं इसका, अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम अपने जो हमारे सर्विंग कप से उसमें निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। रेडी है जनाब हमारी गर्मा गर्म सी कश्मीरी चाय, और आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक देके बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी। एंड एन्जॉय द विंटर्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद अलॉन्ग कश्मीरी चाय ऑफ कोर्स। और मेरा चैनल लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ ही अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है रेसिपीज़ की, तो प्लीज़ डू सेंड मी कॉमेंट्स, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में अपनी वो रेसिपी बना सकें। इसी के साथ ही आई विल टेक योर लीव, फिर मिलूंगी आपसे एक नए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट गुड फील गुड।